यहाँ से बता रहा है इराक 220 किलोमीटर स्ट्रेट है यहाँ से, या तो शायद आगे से राइड है और सीधा बता रहा है रोड तो इराक के लिए भी। तो हम लोग यहाँ पे रुके, कुछ फोटोज वगैरह निकालेंगे, उसके बाद आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। इट्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डे हियर इन जॉर्डन। आज हमारा है लास्ट दिन जॉर्डन सलविता करने से पहले हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे हजरत बिलाल साहबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ज्यारत करने के लिए, जो हमारे होटल से सिर्फ 11 किलोमीटर है। तो पहले हम लोग वहाँ पे जाएंगे, ज्यारत करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ से निकल जाएंगे अल करामा बॉर्डर के लिए, अल कमारा बॉर्डर के लिए, जो है इराक एंड जॉर्डन बॉर्डर क्रॉसिंग। बॉर्डर जो है वो यहाँ से 364 किलोमीटर है, तो टोटल राइड यहाँ पे से रहेगी हमारी होटल हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला से वो बॉर्डर तक, वो शायद लगभग रहेगी 4.5 या 5 घंटे की, डिपेंड अपॉन द ब्रेक्स। सो यस, प्लान ये था कि हम लोग दिन में बॉर्डर क्रॉस कर ले, बट अगर हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए तो हम लोग रात में बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। हम लोग इंशाल्लाह बॉर्डर से पहले ही कोई होटल ले लेंगे और अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह नेक्स्ट डे बॉर्डर क्रॉस करेंगे। सो ये है हमारा प्लान, और अभी फ्री से फटाफट रेडी होते हैं और उसके बाद निकलते हैं इंशाल्लाह सफर को शुरू करते। सो लगेज हमारा ट्रॉली पे आ चुका है, अब दिस भाई यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं। वी वर स्टेइंग इन दिस होटल कॉल्ड इबिस, जैसा कि आप लोगों को पता है ये तो वर्ल्ड हर जगह रहती है ऑलमोस्ट। और होटल को अगर मैं 10 out of रेटिंग देना चाहूँगा, 0 to 10 के बीच में, तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 7, मेरे हिसाब से 7। सो होटल वॉज गुड, द फूड वॉज गुड। फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट में शेरी में कुछ ज़्यादा था नहीं, बट सेकेंड डे थर्ड डे था काफ़ी अच्छा था, वो तो आप लोगों ने देखा ही पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग पिछले वाला वीडियो देखें। सो बाइक जो है वो लोड हो चुकी है, पैनियर्स भी लग गए हैं, बैग भी माउंट हो गई है, अब्दुल भाई की भी रेडी हो चुकी है और मेरी भी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मुझे डेट्स लिखना बाकी है। 14 को हम लोग दुबई एंटर हुए थे और दुबई से सऊदी एंटर हुए थे हम लोग 18 को, और जॉर्डन हमें लगता है कि हम एंटर हुए थे 23 को। सो डेट एग्जैक्टली सऊदी की तो मुझे पता थी, जॉर्डन की मुझे पता नहीं है, बिकॉज डेट और दिन ये नहीं मालूम पड़ते आपको राइड पर, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो खैर अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और इंशाल्लाह अभी निकल रहे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला की मज़ार शरीफ पर पहले सलामी देंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाएंगे, अल कमारा बॉर्डर की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलो निकलते। बाइक की हालत देखो कितनी गंदी हो चुकी है, यहाँ से इंशाल्लाह इराक में इसको धुलाएंगे और पूरी क्लीन करवाएंगे, हमारी टाइगर को भी अच्छा सा एक स्पा देंगे, बाइक स्पा। इसे ट्रैफिक है और अभी टाइम हो रहा है 2:13 और दोपहर का वक्त है और टेम्परेचर देखो 16.5 डिग्री है। मैंने तो लेयरिंग कर ली है बिकॉज इराक में तो वेदर और भी थोड़ा सा नीचे जाने वाला है, लगभग सिंगल डिजिट में। सो बस ये बात है और अभी बढ़ रहे हैं हम लोग दरगाह शरीफ की तरफ। इंक्लाइन है यार, अभी मैं रुकना नहीं यार। अरे बाप रे बाप, भाई पीछे से खड़ी नहीं हो जाए बाइक। अरे माँ क्रेजी फन था यार। अरे बाप रे, देखो अरे मेरे बाप, पीछे लेना इसको, बहुत बड़ा धोखे। अरे भाई हो जा पीछे, नहीं होती नहीं मानती, उतर के करना पड़ेगा। सही है ना, टर्निंग थी ना इसके लिए थोड़ा सा वहाँ मुश्किल लगा। सो जी हम पहुँच चुके हैं मकाम हजरत बिलाल साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के, वहाँ पे है वो है मज़ार शरीफ। अब इसमें इख्तिलाफ है, कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार शरीफ जो है वो दमस्कस में है और कुछ लोग बोलते हैं कि है जॉर्डन में। पर जब हम सहाबी रसूल की मज़ार पे गए थे पिछले बार, तो वहाँ के जो इमाम है उन्होंने कहा था कि नहीं यहाँ पे है असली साहब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला की मज़ार शरीफ। सो यहाँ पे कोई अभी फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है, अभी हम लोग इंशाल्लाह अंदर कोशिश करते जाते हैं कि अगर खुला है कि नहीं खुला है, और खुला होगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोग अभी ज़्यारत करवाता हूँ। और बाइक्स वहाँ पे हमने पार्क कर दी। सो जी यहाँ पे बोर्ड है अरेबिक में और मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया है, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है
कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो मज़ार शरीफ है ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। पूरा कब्रिस्तान है यहाँ पे आजू बाजू और वो है पूरा अमान सिटी। सो अभी बढ़ रहे हम अपनी बाइक की तरफ और अगर आप आ रहे हो जॉर्डन अमान तो डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करो और बहुत सारे सहाबा इकराम और नबी इकराम यहाँ पे है। सो ज़ियारत के लिए अगर आ रहे हो तो जॉर्डन इज़ अ वेरी गुड प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ही इस्लामिक तरीके हैं। सो अभी बस थोड़ी सी वेदर जो है वो हमारा साथ देते बिकॉज ठंडी जो है वो बढ़ते जा रही है। आज मैंने दो लेयरिंग की है इसके अंदर, एक लेयरिंग की है और अभी मैं जैकेट पहनूंगा। अगर ज़्यादा ठंड लगी तो फिर विंटर लाइनर भी मैं डाल दूंगा। और बाइक्स कितनी अमेजिंग लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह फ्यूल थोड़ा सा कम है, फुल नहीं है बट हाँ है। तो हम लोग ने अभी सोचा, मैंने ऐसा सोचा है कि जॉर्डन को एग्ज़िट करने से पहले मैं वापस एक बार फुल करा दूंगा बिकॉज़ इराक़ में पेट्रोल थोड़ा मुश्किल से मिलता है ऐसा मुझे अल तुरेफ में अमजद भाई ने बताया था। जो हमें मिले थे, मिलने के लिए आए थे, ग्रीट एंड वेलकम करना आए थे अल तुरेफ सऊदी अरेबिया में, उन्होंने कहा था कि डब्बे में आपको मिलेगा पेट्रोल और हो सके तो आप जॉर्डन में भरा लेना। तो हम लोगों ने बोला यार कि चलो जॉर्डन में भरा लेंगे और इराक बगदाद शरीफ इंशाल्लाह हम लोग उतने पेट्रोल में तो पहुंच ही जाएंगे, फिर बाद में का सीन बाकी का देखेंगे। और हमारा इरादा है इराक में एंटर होने का और अगर कोई अच्छी होटल देखी तो इंशाल्लाह वाटर क्रॉस करके हम लोग होटल ले लेंगे और फिर सुबह में इंशाल्लाह हम लोग निकल जाएंगे बगदाद शरीफ के लिए जो इराक में है। चलो चलते हैं। इट्स शोइंग 4 hours 20 minutes टू द अल करामा बॉर्डर। और उसके पहले हम लोग शायद रुकेंगे ऑफकोर्स बिकॉज इफ्तारी के लिए रुकना ही पड़ेगा बॉर्डर से पहले बिकॉज अभी द टाइम इज 3:21 और 6:45 की या तो 6:50 अराउंड इफ्तारी है तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इंडियन फ्लैग, तो जब मैं इंडिया से निकला था तब मेरी बाइक चली थी 15,000 समथिंग और अभी हो गई है 19,123। और टोटल जब दुबई से हम लोग निकले हैं तब से हमने चलाया 3,375 किलोमीटर्स और अभी जब से हम लोग निकले हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के वहाँ से सो ये चला लिया हमने 5 किलोमीटर्स। सो इन्जॉइंग द राइड टिल नाउ। और जॉर्डन को हम लोग बहुत मिस करेंगे अलहमदिल्ला। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ज़्यारत करी और बहुत ही खूबसूरत सी सिटी है। यहाँ पे एक हफ्ता भी आप आओ तो कोई मुश्किल नहीं है, कम पड़ेगा आपको। बट हमें इराक जाना है और ग्यारह शरीफ इंशाल्लाह हम लोग बगदाद शरीफ में मनाएंगे गौथ पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में और इंशाल्लाह 12वें रोज़े पर हम लोग इंशाल्लाह मक्का और मदीना की तरफ रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमें याद आई, अब्दुल भाई ने याद दिलाया, हमें जाना है वो झाड़ मुबारक की, वो पेड़ मुबारक के पास जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। पूरे डेजर्ट में जो है वो एक ही सिर्फ वो झाड़ मुबारक है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था और वो ही पूरा ग्रीन ग्रीन है और वो इराक के रास्ते में ही आता है। अबरार भाई ने मुझे भेजा था, अबरार भाई कहाँ गए, और उन्होंने कहा था कि आप ये मस्ट विजिट करें और उन्होंने ही बताया था इसके बारे में। इंटरनेट चल यार, हाँ ये आ गया। डेरिया द ट्री ऑफ अल बुकाया बुकाया विया द ब्लेस्ड ट्री, यस यहाँ पे जाना है। तो मैं पहले गूगल मैप में डाल देता हूँ, इसको एग्जिट दबाता हूँ, एग्जिट द ट्री ऑफ अल बुकाया विया द ट्री ऑफ अल बुकाया विया द ब्लेस्ड ट्री, यहाँ पे जाना है हमको।
किलोमीटर्स डन फ्रॉम दरगाह शरीफ और अभी हम लोग सीधा जाते जा रहे हैं। अभी बता रहा है 1 hour 13 minutes टू द ब्लेस ट्री और इंशाल्लाह वहाँ पे हम लोग जाएंगे रुकेंगे। और अभी तो 5 बज चुके हैं और 6:45 को हमारे इंशाल्लाह इफ्तारी है, तो ब्लेस ट्री की इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था जब यहाँ से सफ़र कर रहे थे। तो अब मैंने सुना है ऐसा कि पूरे डेजर्ट में वो सिर्फ एक ही झाड़ है जो हरा भरा है और खिला है, बेशक उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया दिया था। अभी रोड्स काफ़ी पेशी है तो हम लोग एक राइट की लेन पकड़ के चल रहे हैं, बिकॉज ऐसे रोड पर ज़्यादा देर तक चलाना टायर का वेयर एंड टायर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग इस साइड को पकड़ के चल रहे हैं। ये वाली लेन मेरे लिए सही है। अब्दुल भाई वो बीच की पकड़ लिए, ये मतलब प्लेन है, ये पैची वाला नहीं है, कोने की लेन। और 80 degrees अभी दिन में भी ऑन है, दिन में इतनी धूप है यहाँ पे, पर टेम्परेचर जो है वो 18.5 degrees है, एक नंबर है। जरा भी टेंशन नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास चलते रहो, बस हम लोग क्रूज कर रहे 90, 95, 100 पे और मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बातें कर रहे, दीन की बातें कर रहे, अब्दुल भाई मेरे को जंग के वाक्य सुना रहे, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बढ़ चुका है और यहाँ का लैंडस्केप भी पूरा चेंज हो गया है। आप लोग अगर दिख रहा होगा तो पूरा ऐसा ब्लैक सरफेस दिख रहा है, या मेरे लेफ्ट में भी और या मेरे राइट में भी कोई नहीं है, दूर दूर तक का कुछ भी नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं, कुछ नहीं, ना ही झाड़ है ना कुछ है, बस एक प्लेन लैंड है, वो भी सिर्फ ब्लैक कलर का है। आगे भी देखो वही, पीछे भी देखो वही। अभी चलते जा रहे करामा बॉर्डर, यहाँ से 280 kilometers है। अभी बोर्ड आया था और हवा आ रही है, आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी, बाइक जो है वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, ये दिख रहा है कि नहीं कैमरा में मुझे पता नहीं, बट यस वी आर इंजॉइंग द राइड। द वेदर इज़ वेरी चिली, 19 degrees अभी बता रहा है और बहुत सारी कन्वर्सेशन चल रही है मेरी और अब्दुल भाई की, दीन इस्लाम को लेके, सहाबा इकराम को लेके, और विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, मेरा हेलमेट पूरा ऐसा ये तरफ टर्न हो रहा है ना। बेहतरीन है यार, देखिए आप लोग ज़रा, हाँ अब्दुल भाई कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अलग ही लैंडस्केप है यार, एकदम अलग लैंडस्केप है यार। ये आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था ऐसा लैंडस्केप जो आज देख रहा हूँ। सीधा जाएंगे तो इराक है और हम लोग इंशाल्लाह इराक की तरफ ही बढ़ रहे हैं। एकदम दूर दूर, एकदम दूर दूर एक माउंटेन दिखते हैं अब्दुल भाई, वो भी हाइट नहीं है उनकी। इराक इंशाल्लाह हम लोग आ रहे हैं। डॉज चार्जर GT, अरे वाह मोहम्मद हसन, ये देखो कौन सी वाली चाहिए आपको, सिल्वर ब्लैक रेड सब है। मोहम्मद हसन को बहुत शौक है यार गाड़ियों का। सो जी अभी हम लोग यहाँ से पास हो रहे थे, माशाल्लाह यहाँ पे कब्रिस्तान है और ये देखो ये कब्र जो बनाई हुई है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आई होप ये सब जो है वो पत्थर से बनाई हुई है, मतलब पूरी ऐसा पत्थर से ढाकी हुई है, पूरा कब्रिस्तान है, पीछे भी है ऊपर भी है सभी जगह। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ से बता रहा है इराक 220 kilometers स्ट्रेट है यहाँ से, या तो शायद आगे से राइड है और सीधा बता रहा है रोड तो इराक के लिए भी। तो हम लोग यहाँ पे रुके, कुछ फोटोज वगैरह निकालेंगे, उसके बाद आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। अभी भी आए थे, अभी अच्छे से हमको इन्होंने भी वेलकम किया, बोला वेलकम टू जॉर्डन, एंजॉय योरसेल्फ। और आगे बस 22 kilometers है सफाई विलेज, वहाँ पे है द ब्लेस्ड ट्री और अब्दुल भाई बहुत अच्छी अच्छी फोटोज निकाल रहे थे मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मजा आई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अलबकैया यहाँ से लेफ्ट है, मारो यू टर्न, मारू मैं मार रहा हूँ, हाँ मार लिया, आ जाओ आ जाओ लेफ्ट में आए, ऐसे खड़ा हूँ मैं, आ जाओ आ जाओ। फिर देखो यहाँ पे बोर्ड है द साइट ऑफ द ट्री ऑफ द प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो पेड़ मुबारक है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था अपने सफर के दौरान, और यही वो सीधा रास्ता है। जाइए अब्दुल भाई चलो, बाहर से
हाँ है ना, आ जाओ आ जाओ, यहाँ से उतरो, यही है वो झाड़ मुबारक, देखो जो दिख रहा है लेफ्ट में, माशाल्लाह मस्जिद है या तो रेस्टोरेंट भी है क्या ऊपर से रास्ता? पूरा ऑफ रोड है यहाँ, नीचे से आ जाओ ना, और यहाँ पानी है, हाँ नीचे से मुझे लगता है ऊपर से ही जाते हैं अब, जैसे मैं चढ़ू ऊपर कि तुम जा रहे हो ऊपर, उसके बाद चढ़ता हूँ, अरे यहाँ से आ जाओ भाई, ये बेटर है, आ जाओ, ये रास्ता, ये बेटर है, ये फंसू नहीं बस, ये फंसा निकल गया, आ जाओ तुझे यहाँ से नीचे, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लज़ी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ गाड़ी पार्क करेंगे ना, वो देखो आगे गेट से निकलो, वो गेट है ना आगे, तो यहाँ पे पार्क थोड़ी करेंगे अंदर, ये लोग गाड़ी कैसे लेके गए, रास्ता जा रहा है आगे, तो माशाल्लाह रोजा खोल दी हम लोग ने, यहाँ पे जो थे वो भाई लोग हमें रोजा खुलवा दिए, हम यहाँ चल के जा रहे हैं मस्जिद माशाल्लाह, और अभी यहाँ से जो पाथवे है वो झाड़ मुबारक की तरफ जाता है, देखो आप आस पास देखोगे ना तो पूरे डेजर्ट में आपको एक भी झाड़ नहीं दिखेगा, मतलब ट्री ये देखो कोई भी नहीं है इसके, और माशाल्लाह कितना और कितना वास्त है और कितना पुराना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह नूर है ये झाड़ में नूर, माशाल्लाह माशाल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह मुबारक की आप डाले देखे कितनी मोटी है, और मैंने अपनी लाइफ में इस टाइप का झाड़ नहीं देखा, मैंने वर्ल्ड के काफ़ी कोने कोने घूमे हैं बट मैंने कभी लाइफ में ऐसा ट्री नहीं देखा, माशाल्लाह ये बहुत ही मुबारक ट्री है, ऑफकोर्स हमारे नबी ने यहाँ पे आराम फरमाया, उसकी डालियाँ देखो ना अब्दुल भाई कितनी प्यारी तरीके से नीचे आ रही है पूरी, देखिए वो लेफ्ट में देखो अब्दुल भाई आगे, हाँ वो देखो ना आगे कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, इसका कलर भी एकदम ही अलग है यार, थोड़ा सुहाना कलर है अब्दुल भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और लगभग 1500-1400 साल पुराना झाड़ मुबारक, और ऐसा लगता है कितना ताज़ा है अभी भी, हाँ अब्दुल भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पूरे डेजर्ट में आसपास आपको कोई भी चांद नहीं दिखेगा यहाँ पे, सॉरी कोई भी ट्री नहीं दिखेगा आपको माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़े बहुत ग्रासेस दिखेंगे आपको बट ट्रीज एक भी नहीं है आसपास, एक भी ट्रीज नहीं है, सिर्फ ये एक वाहिद ट्री है जिसमें नबी ने आराम फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जी
हम लोग निकल चुके हैं फिर से अभी ज्यारत करने के लिए, सॉरी ज्यारत करके निकल चुके हैं और ये थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है और अभी फिर सीधा हम लोग रोड पर कनेक्ट हो जाएंगे। फ्यूल भरवाना है, फ्यूल काफी कम हो चुका है, फ्यूल भराएंगे, थोड़ी सी इफ्तारी करेंगे, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। अच्छे से पेट भर के करेंगे, अब्दुल भाई बोल रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज, मिलते थोड़ी देर बाद। सो ये देखो कितनी हवा चल रही है फ्यूल स्टेशन पे, बाप रे बाप। तो इमेजिन करो कि फ्यूल स्टेशन के बाहर, ये फ्यूल स्टेशन के अंदर इतनी हवा चल रही है, तो रोड पे जब हम बाइक चला रहे हैं तब विंड ब्लास्ट कितना चल रहा होगा। मेरा मेमोरी कार्ड जो है वो फुल हो चुका है, सो मेरे को मेमोरी कार्ड भी चेंज करना है। तो अभी एक काम करते हैं, पहला जहाँ पे देखते हैं कहाँ पे इफ्तारी करने वाले, वहाँ पे इंशाल्लाह मेमोरी कार्ड भी बदली कर देता हूँ मैं। देखो कैसा हिल रहा है खाली, ये टॉप बॉक्स का ढक्कन देखो। बॉस, सो हमने इफ्तारी कर ली बहुत अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। हमने मिक्स बारबेक्यू मंगाया था और KFC जैसी चिकन थी और थोड़े से फ्राइज थे और थोड़े से नान एंड हमस। सो पेट भर के कर लिए और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। और हमने लोगों ने डिसाइड किया है कि यहीं पे रूम ले लेंगे बिकॉज अभी ऑलमोस्ट बज चुके हैं 11, अब्दुल भाई 11 बज गए ना, 10:53। सो इट्स ऑलमोस्ट 11 PM राइट नाउ और अभी यहाँ से बॉर्डर जो है वो 150 किलोमीटर है, जिसके लिए हमें लगेंगे लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे। सो वहाँ पे जाके फिर बॉर्डर पे भी टाइम लगेगा, मतलब पूरी रात खराब होगी। तो इससे अच्छा बेहतर है हमने डिसाइड किया कि यहीं पे रुक जाएंगे इंशाल्लाह, और कल सुबह में जैसी हमारी आँख खुलेगी वैसे हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और बाकी सब बढ़िया है, और बाइक का फ्यूल जो है वो हमने 60-70 किलोमीटर्स पहले ही भरा दिया था। अभी पता नहीं आगे फ्यूल स्टेशन है कि नहीं है, आगे क्या आने वाला है ये भी पता नहीं है। डायरेक्ट बॉर्डर है अल करामा जो भी मैंने भूल गया एक्चुअली बॉर्डर का नाम, अल करामा करके बॉर्डर है, वहाँ पे से हमें फ्यूल मिल सकता था, बट कोई इशू नहीं है। अभी हमने डिसाइड किया कि यहीं पे सो जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग से मिलते, अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आती है तो मैं आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करता हूँ। बाकी चाय अच्छी है दूसरा। परफेक्ट। और बाइक्स जो है वो वहाँ पे खड़ी है, और बाइक्स की जो पार्किंग है वो हमको लोग ने बहुत अच्छी दी है, डायरेक्ट हमारे रूम से पूरे नीचे बाइक्स, रूम में नहीं रूम के बाहर ही बाइक्स पार्क होगी मतलब। और मैं आप लोग रूम भी दिखा देता हूँ और क्या प्राइस में मिला वो भी दिखा देता हूँ। इट्स ए लिटिल बिट एक्सपेंसिव, अब यहाँ पे कुछ है नहीं आसपास तो करना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, बिकॉज जो इबिस में हम लोग रुके थे दैट वाज अराउंड 40 GD विद द ब्रेकफास्ट एंड सहूर, और ये वाला हम लोग को वही अप्रोक्सीमेटली ये वाला भी हमें 40 GD में ही पड़ा। बट कोई नहीं, अच्छा है, वक्त का पैसा होता है और जगह का पैसा होता है, और हमें बस कन्वीनियंट लगा कि हम लोग यहाँ पे सो जाएंगे तो बेहतर है। बाकी बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मस्जिद भी है देखिए, माशाल्लाह, मस्जिद भी है, अब्दुल भैया है, चाय पी रहे हैं। मसला चल रहा है भाई, वोडाफोन वालों को शॉर्ट आउट करवा दो। देखो बेस्ट है एयरटेल 3999। दुबई सऊदी में कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मेरा जॉर्डन में भी प्रॉब्लम नहीं आया, आई होप आगे भी नहीं आएगा, सऊदी में भी नहीं आया, दुबई में भी नहीं आया। 3999 का 12 GB डाटा मिलता है और रोज की 100 मिनट्स कॉल आउटगोइंग इनकमिंग लोकल एंड इंटरनेशनल दोनों फ्री, और 12 GB के बाद भी आपका इंटरनेट चलेगा, व्हाट्सएप वगैरह चल जाएगा। अब ये काम करते सीधा बाइक को पार्क करते हैं, उसके बाद रूम में मिलते हैं। मेरा फोन है ना भाई। सो जी हम लोग रूम में आ चुके हैं और ये है हमारा ब्यूटीफुल सा रूम जो आज रात को हम लोग सोने वाले हैं। यहाँ पे है 2 ट्विन बेड्स, यहाँ पे एक और बेड है, यहाँ पे हमने हमारा गैस रख दिया है, और ये है बेडरूम, और यहाँ पे सब सामान पड़ा हुआ है हमारा। और इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वॉशरूम है जो कि यहाँ है इतना बड़ा, और ये रूम हमें मिला है 45 GD में, दैट इज़ अराउंड 5000 रुपीज़। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट क्या करें, और हमने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया, मशवरा किया, मशवरे में बरकत है कि अब्दुल भाई आगे नहीं बढ़ते बिकॉज पता नहीं ये बॉर्डर एरिया है, कुछ आने वाला है नहीं, और रात में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना था हमें ये रूट पे, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये होटल ले लेते हैं, और बहुत अच्छा हुआ कोइंसिडेंटली हमें ये होटल मिल गई। और जैसे गुजरात में ढाबे वगैरह कैसे रहते वैसे ही यहाँ पे ढाबा है, पीछे होटल है, और हमारी बाइक भी बहुत सेफली पार्क है। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रूम के बाहर ही पार्क कर दो, तो यहाँ पे नीचे हमारी बाइक पार्क है और वहाँ पे आगे CCTV भी लगा हुआ है। सो यस दैट्स द प्लान। और अब्दुल भाई नीचे गए सामान निकालने के लिए। सो यस
अभी बस हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होंगे और जो हमारी नमाज बाकी ईशा की और तरावी इंशाल्लाह वो अदा करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे और सुबह सहरी के लिए डायरेक्ट उठेंगे। देखते क्या है प्लान। बस यहाँ पे वाईफाई नहीं है, वो एक खाली माइनस पॉइंट है, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते थे। बट खैर इंटरनेट चल रहा है, बट उस पर इतना ज़्यादा हम लोग सर्फिंग नहीं कर सकते। सो बाकी सब बढ़िया है। अभी पैनियस वगैरह हमने इतना खोला नहीं है, बस सिर्फ मैंने लेके आ गया ऊपर और अभी हम लोग आराम करेंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर के बाद। ये देखो यहाँ पे मस्त सुबह सुबह चिड़िया आवाज़ दे रही है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बैठ के हम लोग इंशाल्लाह सेरी करेंगे और वाह क्या बात है यार, बहुत अच्छी वाइब्स है होटल की और ये ढाबे की कह लो जो भी है, बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज देखते हैं सेरी में क्या है। सलाम माशाल्लाह, यहाँ पे रख दी अपनी शेरी रख दी यहाँ पे माशाल्लाह। तो हाफ फ्राई एग्स है, चीज़ है और कुछ ब्रेड्स है और पानी है और साथ में चाय भी आने वाली और ये है दही, यहाँ पे बोलते हैं लब्बन। और माशाल्लाह यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है हरम शरीफ का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो